थैंक यू। अरे वाह भाई वाह, मोहम्मद बिलाल ने कंगन पहनाए मामा को। थैंक यू मोहम्मद बिलाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं भाई यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और यहाँ पे मेरा आज बर्थडे है, मतलब बर्थडे जो है वो गुजर गया, 6 सितंबर को था। ये व्लॉग आज आप लोगों को आज मिला है। और यहाँ पे इन्होंने जो दिया है मुझे सरप्राइज, और यहाँ पे इन्होंने ये मुझे कंगन लेकर आए हैं मेरे लिए। और देखो, लड़की को चाहे जितना भी आप सोना पहना लो, जितने भी महंगे महंगे गिफ्ट दे दो, सूट दे दो, लेकिन जितनी खुशी लड़की को और बीवी को ये देने में मिलती है ना, और मतलब कहीं नहीं मिलती। अगर आप लोग एग्री करते हो तो लड़कियों बहनों ज़रा कमेंट सेक्शन में हाज़िरी लगवाएं, ठीक है? तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मामा के फूल, यशु मामा के फूल अच्छे लग रहे, प्यारे लग रहे, अच्छू अच्छे लग रहे हाँ ये ओ ओ ये आपने गिराया बेटा, सारी पत्तियां आपने तोड़ी हैं ये। अल्लाह मेरा मुन्ना मम्मा को पहना रहे हो? अरे माशाल्लाह, पूरा तो पहनाओ चंदा, आपने तो थोड़ा सा पहनाया है। ऐसी थैंक यू, ये तो बाबा लाए हैं, आप पहना रहे हो? हाँ ये तो बाबा लाए हैं, ये आप पहना रहे हैं। थैंक यू। अरे वाह भाई वाह, मोहम्मद बिलाल ने कंगन पहनाए मामा को। थैंक यू मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल थैंक यू। तो जी जनाब, उसके बाद हम गए थे डिनर पे, और डिनर पे जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि लग गया था टाइम हमें घर में ही। एक तो पॉलर देर से बंद हुआ, ऊपर से जो है वो क्लाइंट जो है ना वो एक लास्ट मेकअप था, वो बहुत देर से आया था, तो इस वजह से इंतज़ार करते करते देर हो गई थी। फिर उसके बाद जो है वो पुप्पो आ गई थी आईब्रो वगैरह बनाने के लिए, मेरी पुप्पो। तो उसके बाद जो है वो फिर वही बातें वगैरह करने में टाइम लग गया, तो उनको जाते जाते 10:15 हो गए। फिर मैंने जल्दी फटाफट जो है वो बुरखा वगैरह पहना, मैंने कहा घर वो जो है मैं आके जो है वो बर्तन वगैरह धोए मैंने। फिर उसके बाद फिर अभी हम आ रहे हैं यहाँ पे रास्ते में, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मैं तो कह रही थी कि रात देर हो गई है, तो हम जो है वो यहीं पर ही चले जाते हैं। मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट जो है वो रेस्टोरेंट है एवन, यहाँ पे अगर आप लोग रहते हो शाह फसल में तो ज़रूर बताइएगा उनको। मेरे हस्बैंड को जो है ना वो एवन का खाना बहुत पसंद है, वाकई नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है उनका खाना, बहुत फ्रेश होता है, रिजनेबल प्राइस में होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। लेकिन हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं कुछ नया ट्राई करते हैं। तो हम ना वहाँ एक मरतबा मैंने कहा था ना परसों के ना वहाँ अनवर ब्लोच चलेंगे, तो इन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें अनवर ब्लोच जाना है ना, तो बस चलो वहीं चलते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब में ही है। तो फिर हम लोग बस यहीं पर चले गए थे, ये रास्ता है जाते हुए का। और यहाँ पर आपको एक व्यू दिखाऊँगी, यहाँ पर एक रस्ते में एक हॉस्पिटल है, हसन हॉस्पिटल, और वो मेरे लिए इतना कोई यादगार, मतलब मैं जब भी इस रस्ते से गुजरती हूँ ना मुझे अपने बेटा याद आता है, मोहम्मद बिलाल। यहाँ पे 17 या 18 डेज़ का था, मोहम्मद बिलाल की पैदाइश हुई थी वो 17-18 डेज़ का था जस्ट। और ये देखिए ये वाला हॉस्पिटल, ये जो गया है अली हसन हॉस्पिटल है, अली हसन ही नाम है शायद। तो यहाँ पे मोहम्मद बिलाल जो है ना वो एडमिट था, क्योंकि उसको जो है वो सर्दी लग गई थी, मोशन वगैरह नहीं रुक रहे थे, तो इस वजह से। देन उसके बाद हम लोग जो है वो पहुंच गए थे, और इसकी स्टोरी जो है वो मोहम्मद बिलाल की मैं फिर कभी आप लोगों को बताऊंगी फुर्सत से। और यहाँ पे जो है वो फाइनली हम यहाँ पे अपने वेन्यू पे पहुंच गए थे, और बहुत अच्छा था बाहर से अंदर से, मतलब बहुत अच्छा व्यू था। और इसके जो बराबर वाला जो है वो वहाँ पर जो है कहते हैं वो कह रहे थे कि फ़ास्ट फूड वगैरह मिलते हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह। और यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट बनाया गया है मुकम्मल तौर पर, आपको ऑल टू ऑल आइटम। क्या आ गया बड़ा? नहीं अच्छा ऐसा ही है। क्या?
जो है वो अंदर की तरफ एंटर हुए और एंट्रेंस और मतलब ए टू जेड आप लगा लो, बहुत बेहतरीन बनाया था, बहुत ज़बरदस्त लगा मुझे। अच्छा यहाँ पर जो है वो अंदर शायद मेरे जेंट्स ही बैठे थे, मुझे मैंने किसी फैमिली या लेडीज़ को नहीं देखा। तो यहाँ पर एंट्रेंस आप एंटर होंगे तो यहाँ पे भी अंदर डोज का और वॉल पे जो है वो बहुत प्यारा सजा हुआ था। हम जो है वो स्ट्रेस से ही गए थे, लिफ्ट भी थी, हमने कहा जो है हम देखते हुए जाएंगे। तो हम यहाँ पे आए थे फर्स्ट फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर आप तीन सेक्शन थे और बहुत अच्छा बनाया हुआ था। मतलब एक रेस्टोरेंट में इतने कोई थीम नहीं होती हैं, लेकिन मतलब एक जो है वो आप जो है वो बैल्कनी टाइप की थी, वहाँ भी बैठ सकते हो, आप जो है वो बाहर की हवा ले सकते हो। मोहम्मद बिलाल यहाँ पे आओ बेटा, इधर आओ, इधर मोहम्मद बिलाल इधर आओ, इधर बैठो, इधर यहाँ पे बैठो। क्या करने आओ? आप क्या करने आए हो? खाना खाना आपको क्या खाना है? आइस पॉप। और आपको क्या खाना है? शू। आपको क्या खाना है? मोहम्मद हसन को इसमें बैठा दे बेबी चेयर पे। मोहम्मद हसन ये इस पे बैठ ही नहीं रहा, इसको ये अच्छी नहीं लग रही है भाई। मोहम्मद हसन, मोहम्मद बिलाल छोटा बच्चा तो बैठ ही रहा और ये बैठ रहे। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह वाह वाह। मोहम्मद बिलाल ऐसे करो, इधर देखो मोहम्मद बिलाल, इधर देखो ऐसे, इधर दे दे जो भाई मेन्यू तो देख लें। मजा आया। उसके बाद हमने देखा था मेन्यू, क्या क्या मेन्यू था अंदर डोज में। बहुत अच्छा मेन्यू था, बहुत फ्रेश खाना था। और अभी हम यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं, इनका लोगो बहुत अच्छा लगा मुझे बना हुआ, बहुत अच्छी हर चीज़ में जो है ना वो नीट एंड क्लीन काम किया हुआ था बहुत अच्छी तरीके से। और इनका मेन्यू कार्ड भी मुझे बहुत अच्छा पसंद आया, एक एक पिक्चर्स के साथ उन्होंने जो है वो मैं आपको जो है वो पूरी मेन्यू का जो है विज़िट करा रही हूँ। अगर आपको जो है वो ज़्यादा जल्दी लगे तो आप जो है वीडियो को रोक कर या फिर स्क्रीन शॉट लेकर आप जो है वो उसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एक एक सेपरेट करके डिश बनाई हुई थी और ऊपर से जो है वो साथ में बराबर में पिक्चर्स भी लगी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। और हमने जो वो ऑर्डर किया था मैं आपको अभी आगे बताती हूँ जी, हमने एक प्लेटर ऑर्डर किया था, उसमें जो है बीफ सीख कबाब, चिकन के सीख कबाब और चपली कबाब और टिक्का और रेशमी कबाब, ये सब भी थी और मलाई बूटी भी थी, बहुत अच्छा लगा था। तो हमने जो है वो ऑर्डर किए थे, उसके अलावा हमने नान और चपाती और रोगनी नान और कोल्ड ड्रिंक रायता चटनी वगैरह ये सब ऑर्डर कर दिया था। और ये वाला आप व्यू देखें कितना प्यारा है, जो फर्स्ट तो जी जनाब, हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे अपने खाने का, लेकिन खाना जो है वो नो डाउट बहुत जल्दी आ गया था। और बस हमने हस्बैंड ने ये भी कह दिया कि बच्चे का साथ है, ज़रा आप थोड़ा जल्दी कर दे, क्योंकि बच्चे जो है वो इतना कोई तंग कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा फाइनली जो है हमने जो प्लेटर ऑर्डर किया था वो आ गया है, और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना कोई यमी फूड था ना, एक एक चीज़ जो है ना वो फ्रेश थी, बहुत यमी था। अगर आप जो है वो मेरे रिकमेंडेशन लो तो आप जो है वो मेरा रिव्यू लो तो बहुत बहुत बेहतरीन है। और खाना जो है वो एक तो प्राइस भी रिजनेबल थे और ऊपर से इनका जो है वो खाना एक फ्रेश था, बहुत अच्छा लगा। एक जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, तो रोगनी नान बस एक था कि मुझे टेस्ट में नहीं समझ आया, ना हस्बैंड को ना हमें, तो हमने इतना नहीं खाया। फिर हमने जो बल्कि माशाल्लाह से इतना सारा था खाना, तो हमने जो है वो जितना हमने खाया फिर उसके बाद हमने उसको जो है वो पैक करा लिया था। तो मैं यहाँ पे जो है वो सर्व कर रही हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए, और बच्चों को मैं इस तरीके से खिला रही थी, साथ साथ बिठा के मोहम्मद हसन और मोहम्मद बिलाल ने अलग से अपनी सेपरेट कोल्ड ड्रिंक लेंगे। पहले जो है वो मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक, हस्बैंड अपनी कोल्ड ड्रिंक से पिला देते थे, लेकिन इन बच्चों को तो भाई लेना ही नहीं है, उनको अपनी अपनी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। तो बच्चों ने नो डाउट मुझे तंग नहीं करा, मोहम्मद बिलाल को मैं सुबह से ही उसको जो है वो समझा रही थी कि बेटा हम जो है वो यहाँ जाएंगे इस तरीके से, बाबा डिनर कराने लेके जाएंगे, तो उसको जो है ना वो पहले से माइंड में बिठा रही थी, क्योंकि मोहम्मद बिलाल जब से पैदा हुआ है अब तक जो है वो मोहम्मद बिलाल कहीं भी जाता है उसका जो है वो एक तरीके से रोना जो है ना वो मतलब कंपल्सरी है। तो अब माशाल्लाह से तंग क्या कर रहे हो? देखो इधर देखो, ये क्या कर रहे हो? वाह
ए, दोनों जायका 7-Up और डियो। वाह भाई वाह वाह वाह। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मजा आया। मोहम्मद हसन ने भी अपनी कोल्ड ड्रिंक सारी खाली कर दी ना। जूस नहीं है, कोल्ड लेंगे बेटा। चले चले, मजा आया। मोहम्मद हसन को देखो, मोहम्मद हसन ओ लिफ्ट में जा रहा है। अच्छा देन, उसके बाद हमारा जो है वो डिनर वगैरह हो गया था। और मुझे इनकी एक बात अच्छी ये भी लगी कि जो भी टेबल खाली हो रही थी, फ़ौरन से जो है वो साफ़ सफाई करने वाले जो वो आ रहे थे और टेबल साफ़ कर रहे थे और कचरा वगैरह उठा रहे थे। ये इनकी एक बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको जो है वो बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। जो लोग बाहर बैठे हुए थे वहाँ पर एक अच्छी हवा भी आ रही थी और बाहर पर आप बैठ के जो है वो नज़ारे भी कर सकते हो और खाना वगैरह भी खा सकते हो। बहुत अच्छा व्यू था। हम यहाँ पर नहीं बैठ सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो है वो छोटी दीवार थी और बच्चे जो है वो झाँकते तो फिर वो बड़ा खतरा होता, तो हम यहाँ पर इसी वजह से नहीं बैठे। और जहाँ हम बैठे थे वहाँ लाइटिंग भी बहुत प्यारी हुई थी और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो मुझे बहुत काफ़ी पसंद आई। अच्छा, तो जाते हुए हस्बैंड ने कहा कि लिफ्ट में चले जाते हैं, तो हम लोग जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाएँ। और मेरे चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर बस बनता है, क्योंकि मैं आपको हर व्लॉग में बोलती हूँ या मैं हर व्लॉग में आपको बोलती हूँ मेरी बहनों कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने मुझे 100% सपोर्ट करना है। आप जो है व्लॉग देखते हो या फिर कोई आपके रिलेटिव जो है वो व्लॉग देखते हैं तो आप उनको ये व्लॉग शेयर कर दो, आप बोलें कि इनको देखें बहुत अच्छा है। तो देन उसके बाद आपने ज़रूर ज़रूर जो है ना वो वीडियो को लाइक करना है और आगे शेयर करना है। हम जो है वो जा रहे थे तो हम जो है वो फर्स्ट जो ग्राउंड फ्लोर था, यहाँ पर जो है वो इस तरीके से कुछ पानी डाल के जो है वो छोटी छोटी फिश छोड़ी हुई थी, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जेंट्स ही थे, जेंट्स बैठने का था यहाँ पर और बहुत अच्छा लगा हमें। अगर आप मेरे रेकमेंडेशन पे जाना चाहें तो आप ज़रूर जाइएगा। बहुत खाना एक फ्रेश था, रिजनेबल प्राइस थे और माहौल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो डेकोरेट किया हुआ था, हर चीज़ का ख्याल रख रहे थे। ओवरऑल बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा। आई होप सो कि आपको मेरा व्लॉग, मेरी ये काविश, मेरी ये मेहनत आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अनदर व्लॉग में। जब तक अनमोल अशरफ, खदीजा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।